In 2024, India's top 10 tallest buildings. ओके देखें भी बिल्कुल बनता है। चलें जी देखते हैं 2024 में कौन सी बिल्डिंग सबसे टॉप। हेलो दोस्तों, वर्ल्ड टॉप 10 चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप 2024 में भारत की शीर्ष 10 सबसे ऊंची इमारतों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए भारत की शीर्ष 10 सबसे ऊंची इमारतों के बारे में जानते हैं। नंबर एक, पैलेस रॉयल। स्थान, वर्ली, मुंबई। ऊंचाई 1050 फीट। मंजिलें 88। लिफ्ट 12। निर्माण शुरू होने का वर्ष 2018। बिल्डिंग का प्रकार आवासीय। पैलेस रॉयल भारत की शीर्ष 10 सबसे ऊंची इमारतों में से पहली है। निर्माण की अनुमति 2005 में दी गई थी और निर्माण 2008 में शुरू हुआ था। बाद में इसमें कई जटिलताएं आईं, लेकिन 2019 में ऑनेस्ट शेल्टर्स कंपनी ने अधूरी साइट को 705 करोड़ रुपए में खरीद लिया और फिर निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई। पूरा होने पर इमारत में 120 अपार्टमेंट होंगे और इसका आकार 740 से 1300 वर्ग मीटर तक होगा। मूल्य सूची अभी तक प्रकट नहीं की गई है। नंबर दो, पीरामल अरण्य आरव। स्थान, बाईकुला, मुंबई। ऊंचाई 926 फीट। मंजिलें 83। सामग्री, कंक्रीट। प्रस्तावित वर्ष 2022। परियोजना का आकार 7.63 एकड़। भवन का प्रकार आवासीय। उम्मीद है कि पूरा होने का वर्ष 2026। पीरामल अरण्य आरव मुंबई में स्थित एक शानदार आवासीय परियोजना पेश करता है। यह रानी बाग एक हरे भरे वनस्पति उद्यान और लोअर परेल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। नंबर तीन, वर्ल्ड वन। स्थान, लोअर परेल, मुंबई। ऊंचाई 919 फीट। मंजिलें 76। लिफ्ट 18। पूरा होने का वर्ष 2020। बिल्डिंग का प्रकार आवासीय। लोड़ा वर्ल्ड वन का निर्माण अनुमानित लागत 321 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक थी। इमारत का निर्माण लोड़ा समूह द्वारा किया गया था। 2024 तक वर्ल्ड वन भारत में सबसे ऊंची पूरी हो चुकी इमारत है। हालांकि वर्तमान में पीरामल अरण्य आरव और प्रथम स्थान पर रहने वाली पैलेस रॉयल दोनों निर्माणाधीन है। वर्ल्ड वन का निर्माण 2011 में शुरू हुआ था और इसे 1450 फीट ऊंचा बनाने की योजना थी, लेकिन डेवलपर योजनाबद्ध ऊंचाई के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करने में विफल रहा। फिर उन्होंने कुछ साल लिए और इसे वर्तमान ऊंचाई पर फिर से डिजाइन किया और इसे पूरा किया। नंबर चार, वर्ल्ड व्यू। स्थान, मुंबई। ऊंचाई 911 फीट। मंजिलें 73। पूरा होने का वर्ष 2020। इमारत का प्रकार आवासीय। लोढ़ा वर्ल्ड व्यू टॉवर 73 मंजिलों वाली आवासीय गगनचुंबी इमारत है। इमारत का निर्माण 2015 में शुरू हुआ और 2020 में पूरा हुआ। 2024 तक वर्ल्ड व्यू भारत में दूसरी सबसे ऊंची पूरी हुई इमारत है। नंबर पांच, पार्क। स्थान, वर्ली, मुंबई। ऊंचाई 879 फीट। मंजिलें 76। पूरा होने का वर्ष 2020। भवन का प्रकार आवासीय। सामग्री, कांच एवं कंक्रीट। भारत की सबसे ऊंची इमारतों में शुमार लोड़ा द पार्क पांडुरंग बुधकर मार्ग वर्ली में स्थित है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और नरीमन पॉइंट इमारत के करीब है। हाई स्ट्रीट फीनिक्स शॉपिंग मॉल और पीवीआर सिनेमा इस इमारत से ड्राइविंग दूरी पर है। लोड़ा पार्क में प्रीमियम आवासीय और वाणिज्यिक विकास, एक क्लब हाउस, खुदरा स्टोर, होटल के कमरे और एक रेस्तरा है। नंबर छह, ओमकार 1973। स्थान, वर्ली, मुंबई। ऊंचाई 876 फीट। मंजिलें 73। सामग्री, कंपोजिट। बिल्डिंग का प्रकार आवासीय। ओमकार 1973 ओमकार रियल्टर्स द्वारा निर्मित तीन टावरों वाली आवासीय गगनचुंबी इमारत है और यह अब रहने के लिए तैयार है। इसमें 2500 वर्ग फीट से लेकर 18200 वर्ग फीट क्षेत्र तक के 400 से अधिक स्काई बंगले होंगे और तीनों टावरों में तीन मंजिलों वाली भूमिगत पार्किंग सुविधा है। नंबर सात, नैथानी हाइट्स। स्थान, मुंबई। ऊंचाई 860 फीट। मंजिलें 72। सामग्री, कंक्रीट। पूरा होने का वर्ष 2020। बिल्डिंग का प्रकार आवासीय। नैथानी हाइट्स मध्य मुंबई में बनी एक गगनचुंबी इमारत है। इस आवास से महालक्ष्मी रेसकोर्स और अरब सागर का नजारा दिखता है। इस गगनचुंबी इमारत में कई सुविधाएं हैं, जैसे कि पूरी तरह से सुसज्जित जिम, मसाज रूम, योगा स्पेस, जॉगिंग ट्रैक, स्विमिंग पूल और टेनिस कोर्ट। नंबर आठ, 360 वेस्ट टॉवर बी। स्थान, मुंबई। ऊंचाई 853 फीट। मंजिलें 66। सामग्री, कांच एवं कंक्रीट। पूरा होने का वर्ष 2021। बिल्डिंग का प्रकार वाणिज्यिक। 360 वेस्ट में दो टॉवर हैं, जो ग्राउंड लेवल पर एक पोडियम से जुड़े हुए हैं। टॉवर बी दोनों टॉवर में से सबसे ऊंचा है। टॉवर ए एक होटल है और टॉवर बी एक निजी आवास है, जबकि पोडियम में रेस्तरां और बॉलरूम जैसी सुविधाएं हैं। नंबर नौ, द 42। स्थान, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ऊंचाई 850 फीट। मंजिलें 65। पूरा होने का वर्ष 2019। इमारत का प्रकार आवासीय। भारत की सबसे ऊंची इमारतों में से एक द 42 कोलकाता शहर के केंद्रीय व्यापारिक जिले चौरंगी रोड पर स्थित है। द 42 का विचार पहली बार 2008 में प्रस्तावित किया गया था
लेकिन निर्माण अगले 2 वर्षों के लिए विलंबित हो गया था। बाद में इसे 2019 में पूरा किया गया। यह उस समय देश की सबसे ऊंची इमारत थी। नंबर 10 वन अभिज्ञा पार्क। स्थान लोअर परेल मुंबई। ऊंचाई 824 फीट। मंजिल 61। पूरा होने का वर्ष 2017। इमारत का प्रकार आवासीय। वन अभिज्ञा पार्क परेल में स्थित एक ट्विन 61 मंजिल शानदार गगनचुंबी इमारत है। इसका निर्माण 2010 में शुरू हुआ और 2017 में पूरा हुआ। अगर इसी तरह के और नए वीडियो देखना चाहते हैं, जल्द ही मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो अच्छा इन्होंने सारी लेटेस्ट बताई हैं अभी ये ना, कि जो बन रही हैं अभी, अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं या बन चुकी हैं, और सारी जो मतलब मुंबई में सारी मतलब इतनी मतलब अगर टालेस्ट की बात करें तो हाई स्काईस्क्रैपर सारे जो हैं वो आपको मुंबई में मिलेंगे, मुंबई में मिलेंगे। बाकी कोलकाता भी है, सारी ही बिल्डिंग काफी लग्जरी बिल्डिंग है। बिल्कुल, तो चलें जी, ये था वीडियो जिसमें हमने देखा है, और बाकी बढ़िया। और वैसे बिल्डिंग्स के बनने से और एक अलग शेप, जब नई कोई बिल्डिंग नया टावर बनता है तो सिटी की शेप डिफरेंट हो जाती है, लुक निकल आती है जैसे जैसे बनती जाती है, वैसे वैसे लुक बदलती रहती है सिटी की, खूबसूरत लगने लगता है, मेंटेन भी होते रहते हैं साथ न्यू अभी और भी डेवलपमेंट। और मुंबई में तो वैसे बहुत डेवलपमेंट है, पूरे इंडिया में ही हो रही है, हाँ तो हर चीज अंदर ही होनी है, और क्या उन्होंने बाहर जाना है। अभी एक चीज है कि एक काम जो भी है आपको वो सारी बिल्डिंग के अंदर सहूलतें मिलती हैं। चलें जी, आते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में।